और कुछ इस तरह से दीपक वगैरह जला के, धूप वगैरह जला के। मैं क्योंकि आना नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो लेंटर पड़ा है ना उसके टेक लड़के हैं, अंदर से लकड़ियाँ बनाते हैं उसे हम चढ़ाते हैं, मतलब जो भी होते हैं पितृदेवता वगैरह उनके नाम से। दो चार दिन और रखती ऐसे ही ना तो पूरे हो जाने थे उन्होंने कठोर लेके। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनिता बकिया, स्वागत आपका मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के करीबन 4 बजे से जाने की, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर और अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ रास्ते से, क्योंकि आधे रास्ते से और घर मतलब यहीं से पास ही में दिखने लगा है। और आजकल ना मेरी आवाज़ भी ख़राब हुई है क्योंकि ना मेरी तबीयत भी ख़राब कर दी है। तो क्या ही बोले यार दोस्तों, बहुत मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से ना मेरे को भी ना बुखार आ रही थी। और अभी जाती हूँ मैं थोड़ा अपनी नानी और गया, उसके बाद जाऊँगी मैं घर को। होते ना पहाड़ों में ऐसे ही हो, पहाड़ में हो गए बाहर को तो मुझे पूरा मालूम नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे कि हस्बैंड जी आए घर, थोड़ा बहुत उन्होंने चॉकलेट भी प्लेट लाई और वही देना होता है इधर उधर, तो वही देने जा रही हूँ अभी अपने नानी और के यहाँ। वैसे तो घर वालों की साइड से तो जा दे दिया है, लेकिन अपने साइड से मतलब जो अपने अपने होते हैं उन्हें देना पड़ता है। ये तो आप लोगों को बाद ही मैं बताऊँगी क्यों जा रही हूँ। तो हाल फिर पहले चलते हैं नानी और के यहाँ से वो के आते हैं गोबर गड्ढे में। ये घास गड्ढा है, गोबर गड्ढे में ना घास उगाया है और ये देखो घास जमी हुई है। तो कुछ संस्था वालों से ऐसे ही कुछ मिला था उसमें बोने के लिए घास। जी लग गई मैं जाने अपने घर की ओर, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा लेट रही मैं, आधा घंटा के करीब तो लड़ाई होगी मैं, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा बहुत दूध पिया, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, पर मामी जी ने दूध गर्म किया, दूध पिया और उसके बाद थोड़ा बहुत मामी जी के हाथों में चूड़ियाँ पहनाई, क्योंकि मामी जी की ला रखी थी दुकान से बोला करके तुझे आती है, मैंने कहा आती तो नहीं है लेकिन वैसे ही पहनाती हूँ, खुद ही पहनती हूँ मैं दूसरों के पास, मतलब दूसरों को कभी नहीं पहना है मैंने, लेकिन फर्स्ट बार पहना है। तो फिर भी चली गई थी उनके हाथों में। उधर से ना एक लड़की आवाज़ मारी, दीदी वाल मेरा ब्लॉग भी बना। आजकल ना पूरा रास्ते रुस्ते चेंज हो रखे हैं, पूरा माहौल चेंज हो रखा घर का मतलब गांव का। और यहाँ पे ना सेवाल भी लगा है भयंकर हरा हरा सा, और इधर उधर ना फसलें भी काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। और ऐसे ही करके ना झाड़ी झूड़ी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देख सकते हैं आप, जैसे कि यहीं का नज़ारा है कुछ इस तरह से। घर का तो घर ही जाके बताऊँ मैं, घर तो पहुंच गई हूँ मैं और घर का माहौल हमारा कुछ इस तरह से है, क्योंकि हमारा किचन भी बन के रेडी है, रेडी मतलब कि तैयार तो हो गए हैं ऐसे ही। और बाद बाकी अभी इस पर ना बहुत ज़्यादा काम है बाकी है इस पर अभी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोड़ी भी ऐसे ही पड़ी बिखरी पड़ी है, देखो इधर का काम उधर का काम। और वैसे ही अब से की तबीयत हो गई थी ख़राब तो मैं तो चली गई थी अब से को दिखाने, तो फिर यह हुआ काम। और यहाँ मेरे को लग रहा ना यहाँ से देख सकते हैं आप लेंटर कुछ इस तरह से हो रखा है, क्यों हो रखा है मालूम नहीं, हमने ये काम ठेके में दे रखा था और ना ही कोई देखभाल वाला रहा हमारे घर से, क्योंकि वैसे तो पापा जी आते रहे हैं लेकिन तो सब कुछ इसी तरह से चल रहा है। बाकी इधर की साइड देख सकते हैं आप, लंगले भी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, हर कुछ मतलब बड़ा बड़ा सा हो रखा है, इधर उधर जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं सीमेंट पलटने आ रखी हूँ, क्योंकि हमारा सीमेंट ना बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका है, तो देखते हैं अगर होगी मेरे पास की बात तो करूँगी, नहीं होगी तो फिर देखूँगी कल ही परसों देखूँगी। लेकिन हाल फिर मैं अकेले आई थी, वैसे मैं हस्बैंड जी के लिए बोला था लेकिन पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ खुद ही करने की। तो देखते हैं क्या, तो जा नहीं सकती हूँ मैं क्योंकि आना नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना जो लेंटर पड़ा है ना उसके टेक रखे हैं अंदर से लकड़ियाँ रखी है, तो इसलिए अंदर नहीं जा पा रही हूँ। तो कोई नहीं, अभी पहले मेरे को मालूम ही नहीं है चाबी कहाँ है। काम तो मेरा निपट गया है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है दोस्तों, जमीन के कट्टे उठाना ना बहुत ही मुश्किल होता है। और पहले मैंने उन पे लट्ठी से मारा और लातों से काम चलाया, बिना लातों से काम नहीं चला। तो अभी मैंने कुछ इस तरह से रख दिए हैं, क्योंकि पहले तो मैंने ये ढक लिए थे और आजकल ना ये ढक नहीं रखे थे, इसीलिए ना ये ज़्यादा कठोर हो गया था, ना डिक्के डिक्के हो गए थे सीमेंट के। और अभी बड़ी मुश्किल से मतलब
दो चार दिन और रखती ऐसे ही ना, तो पूरे हो जाने थे उन्होंने कठोर, लेकिन मैंने आशय कर लिए हैं और चारों ओर से मैंने न्याय रख दिया है, अब तो नहीं होगा। हालांकि अब मैं कल के लिए कापली के लिए थोड़ा निकालती हूँ, कापली निकालती हूँ, साग निकालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए हो जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं डेली डेली दाल दाल बनाते हो बोलते। तो इधर जी कल के लिए कापली के लिए निकाल लेते हैं। और ये देखो मेरे पसीने से ना मेरी सिंदूर, मेरा सिंदूर भाग गया है। तो चलिए निकालती हूँ, मैंने निकालने हैं कद्दू के लुंगड़ों से, और इसे ना हमारे भाषा में तोड़ा भी, हमारे मंदार की साइड तो तोड़ा बोलते हैं, बाबा की इधर की साइड ना क्या बोलते हैं इसे, मैं यहाँ के पास में जल्दी ही भूल जाती हूँ, यहाँ इसे क्या बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, नलेंडे, नलेंडे, यहाँ इसे नलेंडे बोलते हैं हमारे गांव में, तोड़ा बोलते हैं। तो चलिए जी निकालती हूँ और देखो। चलिए दोस्तों मैं भी जा रही हूँ मैं अपने खेत की साइड, क्योंकि यहाँ से निकालूंगी मैं नलेंडे, जैसे कि ये आ रखे हैं रास्ते के, और इन्हें निकालूंगी मैं क्योंकि ये कुछ काम के नहीं होते हैं, जैसे कि इधर से ऊपर को आ रही हैं, क्योंकि रास्ते में तो हमें चाहिए नहीं, तो रास्ते रास्ते के निकालने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि कद्दू वगैरह तो अभी लग ही नहीं रही हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कद्दू नहीं है, क्योंकि आवाज़ भी ना बहुत अजीब सा आ रही है। मक्के का फूल भी खिल गया है मस्त ढंग से देखो, और इस बार ना हमारा मतलब यही नज़र आ रहा है, यहाँ सूरजमुखी फूल में से एक ही फूल लगाया यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार ना बहुत सारे हुए हमारे, तो इस बार ना बोए नहीं हमने, तो एक ही जमा है, ये खुद ही जमा होगा उस डब्बे में, और आगे ना कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ का ना पूरा ही लुक चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा छाता आगे को भी हो गया है, चंद भी तैयार हो ही जाएगा, तब तक तो पूरा रेडी हो जाएगा, जब हम घर आते हैं तो घर आके ना सीधा रसोई करेंगे हम, किचन ही पे मतलब खाना पीना रसोई पे किचन ही पे बनाएंगे, तो वो भी तैयार होने ही वाला है। तो चलिए जी अब चलती हूँ मैं डांडा की ओर, क्योंकि ना आजकल ना अंधेरा जल्दी पड़ जाता है, पौने आठ साढ़े सात पौने आठ बजे तक अंधेरा हो जाता है, क्योंकि टाइम भी सात बजने वाले हैं। तो चलिए जी चलती हूँ मैं अभी, यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के कपड़े लेके जा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो उनके पास है लेकिन ये भी घर है, तो मैंने बोला उनको, उन्होंने बोला कि घर से कपड़े लेके आने थे, बोला मैंने सोचा अभी मैं आ रखी हूँ तो अभी लेके जाती हूँ। ऐसे कैसे जाऊँ मैं इधर, ये आना बहुत ही मुश्किल है, देखो कैसे हो रखा है, लतड़ पतड़ करके देखो पूरा भरा है, हे बाप रे, ये देखो सही बात। चलती हूँ घर की, और मैंने सोचा था, मैंने घर ये भी बोला था मैं घास लेके आऊँगी, वैसे तो घास है नहीं इधर की साइड में, तो नीचे साइड है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा हो गए कपड़े ही हो गए, जूते चप्पल हो गए मेरे पास, जूते तो नहीं ला रखे मैंने, सैंडल ला रखी है हस्बैंड जी, लेकिन घास भी नहीं है क्योंकि उतना टाइम ही हुआ ही नहीं मेरे को, एक घंटा तो मेरे को पूरा वहीं लगा सीमेंट सेट करने में, सही करने में पूरा सेट हो रखा था। दोस्तों तो ये है अगला दिन मतलब अगली रात है, और आज मतलब खास दिन है, आज के दिन मतलब हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है उसे टेक्टा बोलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि खाने में बनाते हैं हम मतलब कई प्रकार की चीज़ें। तो ये थाली मैंने हस्बैंड जी के लिए लगा रखी है, और इसमें है ये है पथ्यूर, जो कि हमारे पास में इसे पथ्यूर बोलते हैं, और ये आलू के छोले, और ये खीर बना रखी है, जो कि ये दूध दिया मेरी मामी जी ने, क्योंकि मैं गई थी उधर की साइड, इन्हें पिंडालू के लिए मतलब अरबी के पत्तों के लिए, तो वहाँ से लाए मैंने अरबी के पत्ते, और उसके बाद काटे और पथ्यूर बनाए। अच्छा तो पथ्यूर बनाए मैंने, तो ये है मेरे, इस पर बना रखी है मैंने खीर और पथ्यूर, और इस पे आलू के छोले, क्योंकि पहले मैंने कढ़ाई पे बनाए और उसके बाद वहाँ पे पलटी मारी मैंने, इस पे बनाने थे मुझे ये, तो आज ना वैसे हो गई क्योंकि 9 बज गए हैं, खाना नहीं खाया है, तो चलिए जी खाना खाते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं, मतलब ये होता है भादो के महीने फर्स्ट दिन, मतलब एक गति होता है ये त्योहार, और हमारे यहाँ टेक्ठा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करना आपके यहाँ मतलब किस किस के यहाँ
कहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। और हमारे यहाँ तो पेठा बोलते हैं और ये चीजें बनती है भादो के माह में एक गति को। और मेरा ना ये ब्लॉग ना बहुत लेट आएगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगी मैं, क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आजकल बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है मेरा, तो अभी ना ऋषिकेश का भी ब्लॉग नहीं पड़ा है। तो जो मतलब हमारे हम बनाते हैं उसे हम चढ़ाते हैं, मतलब जो भी होते हैं पितृ देवता वगैरह उनके नाम से चढ़ाते हैं बाहर में। और कुछ इस तरह से दीपक वगैरह जला के, धूप वगैरह जला के, और इस पत्तों पे रखते हैं। ये है छेमी का पत्ता, मतलब राजमा का पत्ता है, और इसपे जो भी हमने पकवान बनाए हैं, और ऐसे करके रखना है एक जगह में। और वैसे ना हमारे यहाँ मतलब रोड़े वगैरह होते हैं जिसे कि हमारी भाषा में बोलते हैं, वो तो नहीं बनाए हमने आज, क्योंकि लेट हो गई थी है ना, बहुत लेट हो गई थी, तो इसलिए नहीं बनाए। तो हैजमैन जी ने चढ़ाए, ये किसने चढ़ाए, तुमने?